अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं मुदस्सिर आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है पिछले एक दो महीने से। हमें नहीं, हमारे जितने फ्रेंड सर्किल है जिसके हमारे साथ कॉन्टेक्ट है, उन सबों को रिक्वेस्ट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि भाई क्या करना है, सीटी का रिजल्ट आएगा, कैसे होगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो क्या प्रोसेस है, एडमिशन कैसे लेना है, तो ये सारी चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबिलिटी क्या हो, जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक चीज है। एलिजिबिलिटी में आपको सबसे पहले चीज मेंशन करना होगा, वो होगा एलिजिबिलिटी। अगर आपको फिजिकल होता होगा देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। आप अगर एडमिशन लेना है तो एलिजिबल कैसे होंगे, तो आप 10th या 12th पास, 12th पास है आपका, 50% से ज्यादा आपने कमेंट मार्क कर रखा है किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। सिंपल सा फंडा है, इसके लिए कोई भी ऐसा प्रोसीजर और कुछ भी जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग के BLLB में कितनी सीट्स है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है लोगों की सीट्स कितनी है, और राइटिंग पर ही जाएगा, हमारी राइटिंग ऐसी ही है। तो सीट्स अगर मैं बात करूँ BLLB की, पुराना अगर मैं बात करूँ कि पुराने के पास कितने सीट, तो लगभग 55 सीट जो है वो पुराने इसमें दिया गया था, कि 55 सीट जो है अवेलेबल था, 2 सीट रिजर्व थे किसके लिए, जो लोकल जो जहाँ यूनिवर्सिटी सेटल है वहाँ जो स्टूडेंट थे उनके लिए 2 सीट रिजर्व थी। लेकिन अब जो नया ये आया है उसके अंदर कोर्स ऑफर में दिया गया है, बिल्कुल क्लियरली मैंशन किया है, जो आप इसी में दे सकते हैं, 120 सीट जो है वो अवेलेबल है। बहुत गुड न्यूज़ है, जो आने वाले बच्चे एडमिशन लेने वाले उसके लिए बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोग को 120 सीट ऑफर किया गया यूनिवर्सिटी। अब रिसेंटली 2 दिन पहले ही अपलोड किया है इस वेबसाइट पे। एलिजिबिलिटी आप लोग दे सकते हैं LLM के लिए 24 सीट, पहले 12 सीट थी LLM के लिए, अब 24 सीट कर दिया गया है। BLLB के लिए आप लोग जो एलिजिबिलिटी है ये यहाँ देख सकते हैं, बट ये बहुत गुड न्यूज़ है, जो भी आउटसाइडर या जो भी लोकल बच्चे आने वाले हैं उसके लिए 120 सीट है, मतलब बढ़ाया कर दिया गया 60 से लेकर 120, डबल। सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, देखो ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्या कट ऑफ रहने वाला, नहीं रहने वाला, क्या प्रोसीजर इसका, बट एक अप्रोक्सीमेट मैं कट ऑफ बता दूंगा आपको। आपको कट ऑफ जो है वो हर कैटेगरी में आता है, एक जनरल वाले का आता है, PWS होता है, OBC, लास्ट में SC ST जो रीजनल, सो रिजर्व। अब आप ही सोचो, इतना सारा कैटेगरी है, हमारे पास सीट बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड में है। मैं एक अप्रोक्सीमेट बताया कि जनरल वालों का 80-90 आने वाला है, एक एप्रेस है, ये आगे बढ़ सकता है। PWS का आपको बिल्कुल सिमिलर रहेगा, 1-2 नंबर का क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। अच्छा, मैं OBC की बात करूँ तो OBC का भी आपको लगभग 85 के आसपास चला जाएगा, उससे कम नहीं आने वाला है। SC ST का जो है इसका थोड़ा डाउन जाता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 60-70 रहने वाला है, या इससे डाउन जा सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट है। अच्छा, रिजर्व कैटेगरी मैं क्यों बात कर रहा हूँ, रिजर्व के लिए 2 सीट रिजर्व है, जो लोकल गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए 2 सीट बिल्कुल रिजर्व है। तो ये पूरा ये कैटेगरी है, लेकिन रिजर्व वाले का जो कट ऑफ रहने वाला है वो बिल्कुल रीजनेबल रहता है, बिल्कुल मॉडरेट रहता है, अप्रोक्स मैं कह सकता हूँ कि 70-100 के बीच आता है, क्योंकि कंपटीशन होते हैं, 10-15-20 स्टूडेंट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट से लोकल से, तो 70-100 के बीच जो है वो रिजर्व वालों का जाता है। तो ये सारा आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से, ये सारा कट ऑफ के बारे में मैंने बता रखा है, एक अप्रोक्सीमेट रीजनेबल कट ऑफ है। जब CTS को कटाएगा आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी में, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एक 2 हफ्ते के बाद, विद इन टू वीक के बाद क्या होगा, आपको एक यूनिवर्सिटी एक अपना लिस्ट निकालेगी, लिस्ट आउट करेगी यूनिवर्सिटी, जिसमें क्या होता है कि अप्रोक्स मोस्ट ऑफ द बच्चों को इन्वाइट किया जाता है, क्या करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, जो इसका रीजनेबल स्कोर होता है आपको काउंसलिंग के लिए इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताने वाला काउंसलिंग क्या प्रोसेस होने वाला है, जब आपको इन्वाइट किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी, जो आउटसाइडर स्टूडेंट है, प्लस ऑफलाइन होगी जो लोकल है, अगर जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन आकर दे देंगे, जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन आएंगे, दोनों होगी, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहेंगे उसको लिंक दिया जाता है, आप उसको ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिसको बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं यहाँ आकर, उसके मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसी होती है हमारी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर, वो आप वीडियो जाकर देख लेना। जब काउंसलिंग इन्वाइट करेगा आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसमें क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें बच्चे अक्सर चढ़ जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कर देना पड़ेगा, 10+12 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो मार्कशीट होगा आपको। आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, डोमिसाइल के अलावा आपको स्कोर कार्ड, जो सीटू स्कोर कार्ड है वो देना पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेशन देना पड़ेगा आपको। माइग्रेशन के अलावा जो सबसे खास चीज है, अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। कैटेगरी के लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका EWS है, आपका EWS है वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट है EWS है, EWS देना पड़ेगा। स्पोर्ट है इंपॉर्टेंट चीज। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो एक लिस्ट आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपका जो स्कोर आया होगा, जो मतलब मेरिट लिस्ट निकालेगी, जितना हाईएस्ट स्कोर है कैटेगरी के हिसाब से उस हिसाब से लिस्ट निकालती है। तो स्कोर में लिस्ट वन आएगी, लिस्ट वन आएगी, अब बच्चे आएंगे लिस्ट वन में। फॉर एग्जांपल इसने बच्चे पे टोटल आपको 55 के अप्रोक्स जो भी सीट है टोटल, वो सीट जो वो उतने 55 बच्चे को इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब बच्चे क्वेश्चन कितनी लिस्ट आती है तो मैं यहीं पे सॉल्व करने वाला हूँ। 55 बच्चों को बढ़ाया गया, इसमें से फॉर एग्जाम्पल 25 बच्चे ने एडमिशन ले लिया सपोज, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। मैंने जो बताया आपको, आपको अपना आधार कार्ड से लेकर जितना 10th का सर्टिफिकेट, 12th का डोमिसाइल, माइग्रेशन, स्कोर कार्ड, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने सिटीज को कार्ड दिया होगा, सारा कुछ आपको लेकर आना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट यहाँ वेरीफाई कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 25 स्टूडेंट ने क्या कर दिया, फर्स्ट वीक में एडमिशन ले लिया, 36 अब जो सेकंड लिस्ट आएगी तो सेकंड लिस्ट आ गया, उसमें से आएगी, अब जो सीट रिमेनिंग है फर्स्ट लिस्ट से वो यहाँ फिलअप करेगा। मैंने फॉर एग्जांपल दिया था 25 वहाँ हो गया, तो 30 स्टूडेंट को यहाँ क्या 30 सीट अवेलेबल है, तो 30 स्टूडेंट क्या इन्वाइट किया जाएगा। जब ये 30 सीट आएंगे, बच्चे आएंगे, इसमें से फॉर एग्जाम्पल 15 बच्चा, इस तरह से करते 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 आपको अप्रोक्सीमेट जो पिछले 3-4 साल से अप्रोक्स 5-6 लिस्ट आती है, कभी कभी 7-8 भी चली गई थी, लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेट बताऊंगा आपको। अप्रोक्स जो लास्ट लिस्ट आती है वो 5-6 ये लिस्ट आने का चांस है। बट एक कंक्लूजन कर दूं, जो लास्ट लिस्ट है उसमें मुश्किल से 10 से लेकर 8 तक बच्चे तक, तो मतलब धीरे धीरे 4-5-6 भी हो जाए, 2 भी हो जाते हैं, वो एडमिशन लिया जाता है। ये नहीं कि 20 बच्चे 10 बच्चों को लास्ट लिस्ट में इन्वाइट किया जाएगा, हो सकता है कि आपको 7th लिस्ट भी आ जाए। बट ये चार चीज थे एडमिशन का, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप यहाँ एडमिशन ले लेंगे। मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ दोनों के लिए, जो नॉर्मल कैटेगरी एडमिशन लेते हैं या फिर पेड सीट वाले का, उसके लिए अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करते रहे, उसमें फाइनल लिस्ट आ जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, उसके लिए अभी कोई भी ये नहीं आया। अच्छा, जो लास्ट मैं कंक्लूड कर दूँ कि सब कुछ मुझे लगता है ओवरऑल चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है, और लास्ट इंक्लूड कर दूँ कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काउंसलिंग वगैरह होने के बाद आपका एडमिशन जो हो जाएगा वो अप्रोक्स अक्टूबर के बीच, ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। इस मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा, इससे भी सारा कुछ फाइनल हो जाएगा आपका, मे बी अक्टूबर से क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूँ अब हॉस्टल फैसिलिटी की, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है। जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया नोटिस, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि 70 फीमेल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो बॉयज़ और गर्ल्स है दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल किया गया है, जो प्राइवेट अकोमोडेशन के, जो प्राइवेट जो हायर किए रखती है बिल्डिंग, उससे वो यूनिवर्सिटी जो क्या कर ली है वो कोलेबरेट करके हॉस्टल प्रोवाइड करेगी दोनों को, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को। बट उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया यहाँ पे कि 70 सीट जो मतलब 70 गर्ल्स के लिए हॉस्टल जो है वो अवेलेबल यूनिवर्सिटी के पास है। अब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं है कि कहाँ और कैसे अलॉट किया गया है, बट इसका रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का कोई भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि हॉस्टल फैसिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रजिस्ट्रेशन होगी, या फिर आपको ऑफलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का कोई भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इसका कोई भी अपडेट आएगा तो मैं जल्दी आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अगर इसके अलावा भी कोई क्यूरी आप लोगों का, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। बट
मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह सपोर्ट करते रहें ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो बना सको। अगर रजिस्ट्रेशन है कोई वीडियो आता है तो मैं आपको जरूर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।